यूपी टी जी टी पी जी टी एल्टी ग्रेट एनवीएस के वी एस यूजी सी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं लेकर आज की ट्राउन सीरीज थर्टी नाइन और इस ट्राउन सीरीज में भी हम ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला आइए देखते हैं पहला प्रश्न ट्राउन सीरीज थर्टी नाइन का पहला प्रश्न देखते हैं इट इज अ ड्रामेटिक लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज वेन अ करेक्टर गिव्स अ स्पीच दैट रिवील समथिंग अबाउट इज थॉट प्रोसेस यहाँ पर थाट प्रोसेस पर जोर देना है ड्रामेटिक लिटरेरी डिवाइस है दैट इज यूज वेन अ करेक्टर गिव्स अ स्पीच दैट रिवील समथिंग अबाउट इज थॉट प्रोसेस बताइए क्वेश्चन नंबर वन का जवाब देना है हम सॉरी लौकी की बात कर रहे हैं ध्यान में रखिएगा सॉली लौकी से रिलेटेड क्वेश्चन इस ढंग के भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन में Question number 2: The poem describes the poet's trip to his beloved Lucy Scottis and his thoughts on the way. Composed during the sojourn in Germany in 1798, the poem was first published in the second edition of Lyrical Ballads 1800. किस की बात हो रही जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर टू में यहां पर मैं बताना चाहूंगा सब सब फिर आप नीडल्स आर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स जो नीडल्स से सुई से या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से फोबिया होता है उसे क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का जवाब दीजिए एकमोफोबिया एल्यूरोफोबिया, एंड्रोफोबिया क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का जवाब देना है यहां बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं एकमोफोबिया इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एल्यूरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स एमैक्सोफोबिया फियर ऑफ राइडिंग इन द कार एंड्रोफोबिया फियर फियर ऑफ मैन it is the author's retelling of his or her life and told in first-person point of view making the author the main character of the story इट इज द ऑथर्स रीटेलिंग ऑफ हिज़ और हर लाइफ एंड टोल्ड इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू मेकिंग द ऑथर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी क्वेश्चन नंबर फोर का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर में अनडाउटेडली दोस्तों यहाँ डी होगा ऑटोबायोग्राफी इज द राइट आंसर ओके ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आएंगे सावधान रहिएगा बायोग्राफी मेमोयर लेटर राइटिंग अ पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड वर्ड्स बताइए अ पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड वर्ड्स क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी जवाब देने वाले सब के सब सही है, तो हम किसी चीज कोट करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ज्यादा हमारे दिमाग पर छोड़ता है क्वेश्चन नंबर सिक्स दिस इज टू एंड द लेटर विद रिस्पेक्ट इन पोलाइट मैनर विद रिस्पेक्ट इन अ पोलाइट मैनो सच एज योर फेथफुली योर सिंसियरली एटसेट्रा क्या कहा जाएगा इंट्रोडक्शन मिडिल पार्ट सिग्नेचर लाइन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्वेश्चन नंबर सिक्स का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें अगर दोस्तों तो, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है ये ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं लव इज नो हॉट हाउस फ्लावर बट अ वाइल्ड प्लांट बोर्न ऑफ अ वेट नाइट बॉर्न ऑफ एन आवर ऑफ सनशाइन स्प्रंग फ्रॉम वाइल्ड सीड ब्लोन एलॉन्ग द रोट बाई अ वाइल्ड विंड कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं क्वेश्चन नंबर सेवन फिर से दोहराता हूँ लव इज नो हॉट हाउस फ्लावर बट वाइल्ड प्लांट बार्न ऑफ अ वेट नाइट बार ऑफ एन आवर ऑफ सनशाइन स्प्रंग फ्रॉम वाइल्ड सीड ब्लोन अलोंग द रोट बाई ए वाइल्ड विंड क्वेश्चन नंबर सेवन का जवाब दीजिए यहां पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही फोर से ये लाइनें ली गई हैं करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है लाइसेंस की सही स्पेलिंग क्या होगी क्वेश्चन नंबर एट जैसा कि आपको देख के ही समझ में आ गया होगा यहाँ पे लाइसेंस की सही स्पेलिंग होगी एल आई ई ध्यान में रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही क्रूशल पार्ट है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड यहां आपको बताना था ओके okay? ध्यान में रखिएगा कंफ्यूज नहीं होइएगा एल आई ई एन सी होता है कंफ्यूज नहीं होना है और बोलते हैं इसे लाइसेंस क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं प्रनाउंसिएशन की सही स्पेलिंग क्या होगी आप बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में प्रोनाउंसिएशन की सही स्पेलिंग होगी डी वाली ध्यान में रखिएगा ये जो डी पार्ट में है पी आर ओ एन यू एन सी आई ए टी एन लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरेन हाइट की सही स्पेलिंग बतानी है बहुत बार पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन की अगर बात करें तो यहां फॉरन हाइट की सही स्पेलिंग ए वाली होगी फ हाइट याद रखिए एफ ए एच आर ई एन एच ई आई टी आई अंडरस्टैंड यू वॉन्ट टू बी अ फेमस सिंगर बट डोंट चेज रेनबोज यू आर नॉट अ गुड सिंगर डोंट चेज रेनबोज वॉट डू यू मीन बाई चेजिंग रेनबोज क्वेश्चन नंबर इलेवन का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर इलेवन में सी जवाब देने वाले सबके सब सही कंसिडर किए जाएंगे टाइम टू डू समथिंग दैट कान बी अचीव्ड ओके आर नॉट सपोज्ड टू डू समथिंग दैट कान बी अचीव्ड ओके इफ यू आर चेजिंग रेनबोज इट मींस यू आर चेजिंग समथिंग इम्पॉसिबल ओके ध्यान में रखिएगाट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अलैक्रिटी का एंटीनिम बताना है वॉट डू यू मीन बाई अलैक्रिटी एलैक्रिटी का एंटोनिम बताना है पहले ये बता दीजिए एलैक्रिटी का मतलब क्या है फिर उसके बाद उसका एंटोनिम बता दीजिए देखिए जो होती है वो क्या होती है ग्रेट विलिंगनेस तीव्र इच्छा किसी चीज की ओके इगरनेस या किसी चीज के प्रति बहुत तीव्र इंथुजियाज्म अति उत्साह तत्परता प्रफुल्लता ये एलैक्रिटी होती है इसका एंटोनिम क्या होगा अब बताइए इन हेजिटेशन अनसर्टेनिटी इन एबिलिटी अब देखिए इसके लिए तो बहुत तत्पर हैं प्रफुल्ल हैं अति उत्साहित हैं और इसका एंटरन्यू में क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की अगर बात करते हैं तो हेजिटेशन हो जाएगा आप हेजीटेट कर रहे हैं तो बी जवाब देने वाले यहां सबके सब सही होंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन ट हिस्स लॉन्ग नरे किस कोट की जवाब देना है चारों विकल्पों को पढ़िए और जवाब दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही कंसिडर किए जाएंगे हेनरी वॉकले आर लाफ साउथहैम्प्टन को डेडिकेट की इन्होंने क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आते हैं दोस्तों शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ इंजॉय वेन शी म टू नो दैट ही हैड बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब नो एर क्या होगा क्वेश्चन नंबर का जवाब देना है आपको क्वेश्चन नंबर की बात करें दोस्तों शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ इंजॉय वेन शी केम टू नो दैट शी हैड बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब नो एरर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के ए पार्ट में यहां प्रॉब्लम है दोस्तों ओके okay? ध्यान में रखिएगा फोर्टीन के ए पार्ट में यहां प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है आइए हम देख लेते हैं एक बार इनके बदले विद का प्रयोग होगा क्योंकि खुशी से के अर्थ में विद ज्वाय का प्रयोग होता है ओके इनके बदले विद का प्रयोग होगा जैसे ही साउटेड विद ज्वाय दैट ही हैड वन द मैच तो इन ज्वाय नहीं होगा विद ज्वाय होगा ध्यान में रखिएगा ए पार्ट में गड़बड़ी है क्यों गड़बड़ी है आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन स्कॉनफुल एंड कंटेंप्चुअस लैंग्वेज क्या कहेंगे अगर कोई लैंग्वेज स्कॉनफुल है कंटेंप्चुअस है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की बात करें अप्रोब्रियम स्कॉनफुल एंड कंटेंप्चुअस लैंग्वेज को क्या कहेंगे अप्रोब्रियम ध्यान में रखिएगा अप्रोब्रियम क्या है सिवियर क्रिटिसिजम अ पर्सन कंट्री एटसेट्रा बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ओके The bombing हैज अट्रैक्टेड इंटरनेशनल अप्रोब्रियम अप्रोब्रियम का मतलब severe criticism ध्यान में रखना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे आते हैं शट ऑल द doors एंड विंडोज इन द नाइट चेंज द वॉइस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जवाब दीजिए पढ़िए और जवाब दीजिए एक बार चारों विकल्पों को पढ़िए देखिए कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 16 में जवाब देने वाले सबके सब सही कंसीडर किए जाएंगे लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज बी सेट इन द नाइट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं साउंड ऑफ मॉस्किटोज अब बताइए इंपॉर्टेंट है मॉस्किटो का साउंड क्या कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 17 मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका आपको ध्यान में रखना चाहिए इंपॉर्टेंट है वाइन शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ ये क्या होगा शॉर्ट एक्सप्रेशन है अब जनरल ट्रूथ बताना है आपको क्वेश्चन नंबर एटीन का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर एटीन की बात करें तो मैक्सिम की हम बात कर रहे हैं मैक्सिम इज अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ ध्यान में रखिएगा ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग इसमें कैसे अगर आप इनडायरेक्ट में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों तो यहां ये जवाब देने वाले सबके सबसे ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग ओके ध्यान में रखिएगा हु पैरोडीज वॉट्स वो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन इज नॉवेल थ्रू द लुकिंग ग्लास किसने पैरडी की वार्सवर्थ की पॉम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की अपने नॉवेल में थ्रू द लुकिंग ग्लास में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करें तो यहां बी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे लुइस करोल ने जो है पैरडी की है वार्सवर्थ की पॉम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की अपने नॉवेल थ्रू द लुकिंग ग्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये इस पर डिस्क्रिप्शन है मैंने पहले ही आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे आते हैं दे आर यूज इन सेंटेंस टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस में इन्हें यूज किया जाता है कुछ अतिरिक्त जानकारी हासिल करने के लिए या देने के लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का जवाब देना है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं ओरक्यूलर का सिनेम बताना है आपको oracular का synonym क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू और ओ आर ए सी यू एल ए आर ओरक्यूलर वाट विल बी दिन ऑफ औरक्यूलर आपको बताना होगा ऑप्शन है ल्यूसिड डिस्टिंक्ट अनएम्बिग्यूस क्रिप्टिक बताइए औरक्यूलस का सिनेम क्या होगा अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है ओरकुलस का तो देखो तो इसको एक बार देख लेते हैं यह है एक्चुअल ऑफ आर लाइक एंड ओरकल विदिडन मीनिंग मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट प्रॉबली वाइस नो एरेकुलर स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या हो जाएगा अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर अगर हम इस प्रश्न की बात करें जिसमें हिडन मीनिंग हो तो वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में यहां पर सीधे सीधे डी हो जाएगा क्रिप्टिक विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव Amit आस द इंश्योरेंस एजेंट इसको इनडायरेक्ट में बदलना है कैसे बदलेंगे आप बताइए चारों विकल्पों को पढ़िए और जवाब दीजिए आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर है चारों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जो बीत गई सो बात गई सोचो कब टूटे तारों पर ये अंबर शोर मचाता है तो जो बीत गई सो बात गई मेहनत कीजिए और यकीन मानिए सफलता मिलेगी हमारे साथ बने रहिए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं अमित आस द इंश्योरेंस एजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम ही सी हैड Goat. Goat के को क्या कहते हैं आपको बताना है goat तो कॉमन वर्ड हो गया मेस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों पर अप्लाई होता है अगर फेमिनाइन स्पेसिफिकली पूछा जाए तो क्या होता है बताएं ऑप्शंस दिए हुए चार ऑप्शन चौबीसवें प्रश्न की बात करें तो सी जवाब देने वाले यहां बिल्कुल सही है नैनी या डो दो, दोनों कहा जाता है माई सैलर डेज वेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट कम फ्रॉम ये कहाँ से लिया गया है आपको बताना है मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको समय लगेगा बताने में यह एंटोनियन क्लिपेट्रा से स्टेटमेंट लिया गया है माई सैलड डेज चेंज द वॉयस पीपुल आर सॉरी पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पजेज इसको आपको वॉइस चेंज करनी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में अगर हम इसकी बात करें तो यहां सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं कंप्यूटर्स आर यूज बाई पीपुल फॉर वेरियस पर्पजेस लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू लैंड मी अ फ्यू रूपी इन दिस आवर ऑफ नीड ओके इसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा बताना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की बात करें तो यहां पर इंप्रूवमेंट क्या होगा अगर हम यहां पर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की बात करें तो बी अगर कर दें लैंड मी अ फ्यू रूपीज हो जाएगा रुपी नहीं तो ये सही हो जाएगा लेटमी अ फ्यू रूपी के बदले लेंड मी अ प्रयोग होगा क्योंकि फ्यू अव वेरी फ्यू द फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है शी हैज बॉट अ फ्यू बुक्स आई हैव इन्वाइटेड वेरी फ्यू फ्रेंड्स तो ऐसे यूज होगा ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन फिफ्टीन नाइनटी फोर शेक्सपियर बिकेम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ विच एक्टिंग कंपनी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का जवाब दीजिए किस uh, किस एक्टिंग कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल हो गए शेक्सपियर पंद्रह सो चौरानबे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की बात करें ट्वेंटी एट में ये जवाब देने वाले सबके सब सही हैं हम बात कर रहे हैं द चिम्बलेंस मेन की लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनेशंस क्या होगा रिनेशंस का मतलब ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने है जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर ट्वेंटी नाइन में ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं रीबर्थ रिवाइवल एंड री अवेकनिंग ये होता है रिनेशंस का मतलब ओरिजिन फ्रेंच इस वर्ड की द पोम दोमें ट्वेंटी स्टैंड इन मॉडिफाइड राइमर ऑयल एंड डिस्क्राइब्स वर्ड्स वर्थ एनकाउंटर लीच गैदर नियर हिज होम इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड किस पोम की बात हो रही है अगेन सी stanzas written in modified फाइव oil, and describes Wordsworth's encounter with a leech gatherer near his home in the Lake District of England. क्वेश्चन नंबर थर्टी का जवाब देना है यहाँ सी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये थे आज के तीस क्वेश्चन इस सेशन को लाइक कीजिएगा अपने जरूर किसी एक दो चार छः दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए रोज रात दस बजे हमारा या तो लाइव हम आएंगे या तो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे लेकिन देंगे आपको हम मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चंस थैंक यू फॉर वाचिंग गुड नाइट